हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा फिर एक क्लास आया है, एसएससी जीडी लेवल का क्लास है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आज की क्लास में देखते हैं कौन सा कैसा मैथ पूछा गया था, और जो पूछे गए क्वेश्चन है वही दोस्तों क्वेश्चन है। बस आप मेरी इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और धैर्य बनाकर देखिए, मैं आपको अच्छे तरह से ये पूरे सवाल आपको समझा दूंगा। अगर एसएससी जीडी आपको क्रैक करना है तो मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, ने आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। लिखा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% कमी की गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन है। जब भी आप एक आयत का क्षेत्रफल पूछते हैं, एक आयत है ठीक है ना, और इसमें पूछा क्या है कि लंबाई में वृद्धि हो गई है और इसके चौड़ाई में 10% की कमी हो गई है। तो जब भी ऐसा सवाल हो दोस्तों पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ए बी फार्मूला का आप यूज कर लोगे। ए बी फार्मूला पता नहीं है तो नोट कर लो, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में होता है 100, ठीक है, परसेंटेज, यही क्या है फॉर्मूला है। तो आपको इस फॉर्मूले पे रख देना है और देखिए कैसे सेकेंडों में इस सवाल को हम बनाते हैं। जैसे 10% क्या है, पहले 10% वृद्धि है लिख लिए, फिर इसके बाद क्या दिया है प्लस, यह फार्मूला है 10% कमी दिया है तो यहाँ माइनस हम डायरेक्ट कर देंगे, फिर इसके बाद फिर प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है, और ए नहीं रखेंगे यहाँ, 10 माइनस यानी इंटू है ना, इंटू का मतलब गुणे हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो काट देंगे अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अब इसमें इसका गुणा होगा माइनस और प्लस में तो हो जाएगा माइनस एक और 10 माइनस 10, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 11, यानी 10 में से माइनस 11 जाएगा तो आपका बचेगा -1 बचेगा, क्या बचेगा -1% बचेगा। तो जब माइनस में आ गया तो यानी 1% की क्या हो रही है, कमी पार हो रही है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को आप ए बी फार्मूला पे सेकेंडों में आप लगा लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें देख लीजिए ए प्लस बी प्लस ए बी फार्मूला, अगर देखिए दोनों में अगर पूछ देता कि दोनों में वृद्धि हुआ, जैसे लंबाई में बी वृद्धि है और चौड़ाई में वृद्धि, तभी इस फार्मूले का यूज करेंगे, और माइनस बी माइनस माइनस में वृद्धि रहेगा तभी इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको जरूर निश्चित समझ में आया होगा। तो अब आप ऐसे सवाल को गलत नहीं करेंगे और ए बी फार्मूले पर यूज करके इसे सेकेंडों में लगा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसे ध्यान से पहले पढ़िए समझिए फिर इसके बाद इसे सॉल्व किया जाता है। जैसे दिया है 9, 12, 15, ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, ये सब एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बस लेवल आपका जो मैथ का होने वाला है एसएससी जीडी एग्जाम में, बस यही लेवल रहने वाला है, ठीक है। इसमें पूछा है देखिए 9, 12, 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। पूछा क्या है देखिए 9, 12, 15 और 20, ये देखिए इसमें विभाजित करना है यानी इसे में भाग करना है किए जाने पर, देखिए क्रमशः 7, 10, 13 और 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम क्रम संख्या है, और न्यूनतम यानी छोटी संख्या कौन है, यानी देखिए जिसे भाग देना है, जिसमें भाग देना है उसे ऊपर लिखेंगे या जिससे जिस संख्या से भाग देना है उसे नीचे, ठीक है। तो 7, 10, 13 और 18, अब ध्यान दीजिए अब क्या कर लेंगे, जब भी हम देखिए 7 का भाग अगर 9 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, ध्यान दीजिए कितना बचेगा शेषफल, तो वही शेष
शेष छोड़ने वाले, शेष छोड़ने वाली संख्या न्यूनतम संख्या, और पता करना है कि वो संख्या कौन है, क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी इसमें सबको माइनस कर देंगे। देखिए माइनस करेंगे, 9 में से 7 जाएगा 2, 12 में से 10 जाएगा 2, 15 में से 13 जाएगा 2, और 20 में से 18 जाएगा 2। यानी सब सेम संख्या आया, सबका क्या मान 1 आया। अब देखिए भाग देने पे, जैसे 9, 9 में 7 का हम भाग देंगे तो 7 1 कम 7 कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचा ना। तो वही सेम चीजें, सेम प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, इनका जो इतना जिसमें भाग दिए हैं उनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो आएगा, एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, निकाल लीजिएगा एलसीएम तो सबको आता होगा, यानी 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 180 यानी जितने संख्या से भाग देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। तो वही विभाजित पूछ रहा है, यानी ये इसमें से, यानी ये संख्या 180 जो इसका एलसीएम निकाले हैं, और एलसीएम निकालने के बाद जितनी संख्या है अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। 9 दूना 18, और 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, और 20 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें -2 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, जो भागफल, जो शेषफल कितना बचा है, 2 बचा है शेष छोड़ रही है, तो इसमें 180 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 178 बच जाएगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा 178, यानी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे सवाल को सेकेंडों में सवाल समझने के लिए ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए, और जो लोग नए व्यूअर होंगे दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक, दो धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान दीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक में एक अंक दूसरे अंक से 3 गुना है, यदि उनका गुणनफल 25 और 23 है तो उनमें से बड़ा अंक कौन है, ठीक है ना। उस बड़ा अंक हमें बताना है, यानी इसमें बड़ा अंक पूछा है, ठीक है। तो यानी पूछा है दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक से, जो एक अंक है दूसरे अंक से, ध्यान दीजिए दूसरे अंक से 3 गुना, तो मान लीजिए यक्ष रहा होगा, यह 3 यक्ष हुआ है। अब पूछा है कि उनका गुणनफल 25 और 23 है तो उनमें बड़ा अंक है, उनका जो गुणनफल है, ध्यान दीजिए इनका गुणनफल 3x/3 बराबर 2523 है, यानी 2523 है। तो इसमें से सबसे बड़ा अंक पूछा है, तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 चौक 12, 3 एकम 3 841, यहाँ पे x से रहेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 841, 841 एक्स अब रूट हो, यानी हो जाएगा 841। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 30 नहीं 900 हो जाएगा, तो 29, यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, उनमें से बड़ा अंक पूछा है, तो 3x को हम ले रहे हैं, 3x, तो 3x का मान 29 है, तो 29, तो 9 3 27 को 7, और 3 2 6 और 2 8, यानी 27, यानी वो सबसे बड़ा अंक है, 87 है, 27 नहीं सॉरी 87 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए बस मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बनिए, समझिए कि हाँ सर कैसे बता रहे हैं, और ऐसे सवाल जैसे आपके स्किन पे आएगा आप सेकंडों में लगा लोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, जो आपके 2023 में एग्जाम होने वाले हैं, जो 24,000+ पोस्टेस आए हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए ये क्षेत्रफल से आया है, कैसा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल यानी पूछा है। ध्यान दीजिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह उस यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है, एक हो गया, ठीक है। नहीं, उस रहेगा, उस वर्गाकार, देखिए उस वर्गाकार खेत की लंबाई की भुजा, सॉरी यार गलत, उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई है, ऐसे क्वेश्चन। उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है जिसका जिसका क्षेत्रफल 40 मीटर और 20 मीटर, 40 मीटर गुणे 20 मीटर और 25 मीटर और 17 मीटर बीमाओं वाले दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है ना, योग के बराबर है। देखिए उस वर्गाकार खेत, मान लीजिए एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, जिसका क्षेत्रफल 40 गुणे 20 मीटर है। ध्यान दीजिए, तो होता है वर्गाकार क्षेत्रफल का, वर्गाकार क्षेत्रफल बराबर होता है यानी भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, यानी क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है 40 मीटर, 40 मीटर गुणे 20 मीटर और 25 मीटर और 17 मीटर बीमा वाले दो आयताकार, ठीक है, दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के योग, यानी इस इन दोनों क्षेत्रफल का योग पूछा है, यानी 25 हो जाएगा 25 मीटर गुणे 17 मीटर। ध्यान दीजिए 25 मीटर, अब क्या कर देंगे इसमें, आपस में गुणा करते हैं, एरिया यानी भुजा का स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा 4 दुना के 8, 800 हो जाएगा, प्लस 800 हो गया, 17 5 85, 5 और 17 दुना के 34, 34 यानी 42, यानी 425। अब हो जाएगा ए एक स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 8 4 12, यानी 1225, तो हो जाएगा ए बराबर √1225, ठीक है, 1225। तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1225 35 36 का हो जाएगा, 36 36 36 36 को 36 का, अच्छा 6 36 36 36 का नहीं होगा, 36 यानी 35, 35 का करेंगे, 35 35 5 5 25, 5 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर, यानी एक भुजा का योग आ गया आपका 25 मीटर, यानी अरे सॉरी 35 मीटर, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 35 मीटर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो आने वाले हैं दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आपको एग्जाम में पढ़ कर जाना है मैथ, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन है एसएससी जीडी एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, और जो आने वाले क्वेश्चन है इसी लेवल के, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो इसमें दिया क्या है, देखिए एन के अधिकतम पूर्णांक मान, एन एन जो है एन एन के अधिकतम पूर्णांक मान क्या है, ये पूछा है, मान क्या है जिसके लिए, ध्यान दीजिए,
जिसके लिए एन स्क्वायर प्लस एन प्लस सिक्स बाई एन एक पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, यानी एक पूर्णांक पूछ रहा है। पूर्णांक का मतलब होता है वो पूर्ण संख्या, ये ना कि भिन्न वाली संख्या। ध्यान दीजिए, ठीक है, यानी भिन्न वाली न संख्या। तो इसमें अधिकतम पूछा है, तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम जिसके लिए इसका मान इतना दिया है तो एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन में। तो एन यानी ऑप्शन डी रखते हैं, यानी आठ का स्क्वायर प्लस आठ और प्लस छः और एन का मतलब आठ, यानी एन की जगह ऑप्शन नंबर, जैसे ऑप्शन में देखेंगे तो देखेंगे पहला जो सबसे बड़ा है आठ, फिर छः, दो, तीन को रखेंगे, ठीक है। तो अट्ठा 64 हो जाएगा, प्लस आठ प्लस छः, ठीक है। अब क्या करेंगे, 64 छः 70 यानी 78, 78 बटे आठ, यानी ये आठ से पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, यानी डिफरेंट ए नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं, यानी सिक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस सिक्स बाई सिक्स। तो 36 प्लस छः प्लस छः और बाई सिक्स, तो 36 छः कितना, 36 छः 42, 42 और 6 हो जाएगा आपका 48, टोटल यहाँ 48 लिख देंगे और बटे में 6, और 6 8 है 48, यानी यह एक आठ पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या है। तो यानी किसको लेने से आया है, ठीक है, ये ऑप्शन में यह नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जितने मैं क्वेश्चन बताया हूँ आप नोट भी किया करिए, ताकि आप भूलेंगे नहीं। जैसे आप नोट कर लेंगे तो आप भूल भी गए तो आप इसे एक बार देख लेंगे, तो आपको रिवाइज यानी रिवाइज कर लेंगे, तो आपको दोहरा लेंगे, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे नए दोस्तों के लिए, जो लोग हमारे इस चैनल से जुड़े होंगे और हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं फिर कल लेकर आऊँगा SSC GD के लिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक से दोनों तरीके से बताऊँगा, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखा जरूर करिए, मैथ को सीखना है तो पढ़ना जरूर है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना, थैंक यू।